नमस्कार जी, आज हम आए हैं हिसार। जैसा कि आज यहाँ पे संत रामपाल जी के भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि आज संत रामपाल जी की यहाँ पर हिसार में डेट है, जिसको लेके पूरा हिसार आज भरा हुआ है। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, तो आइए मिलते हैं। सर, एक चीज़ बताइए, लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी एक हिंदू विरोधी संत हैं, तो आपको क्या लगता है? हिंदू विरोधी वो लोग कह रहे हैं जिसको हिंदू धर्म की परिभाषा पता नहीं है। आज जिसको जो हिंदू किसको बोलते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते, मतलब अच्छे कर्मों के लिए हिंदू बनते, अच्छे के लिए। जो अभी तो आजकल के हिंदुओं को तो हिंदू धर्म की परिभाषा ही पता नहीं है। जो मालिक ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी दुनिया के सामने खोल के बता दिया कि हिंदू किसको बोलते हैं, और वही हिंदू अपने राजनेताओं के साथ में मिल के वोट की राजनीति करने के लिए यहाँ अपने अपने मंदिरों में या अपने अपने वर्चस्व मान को बढ़ाने के लिए पूरे धर्म को ख़त्म कर दिया है। वो लोग बोलते हैं कि हिंदू विरोधी हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, और संत रामपाल जी महाराज भी हिंदू विरोधी है। उन लोगों की सोच है ये। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सिर्फ वही लोग बोलते हैं जो उनकी लिखी हुई किताबों को अब तक जिन्होंने नहीं छुआ है, नहीं पढ़ा है, या फिर उन्हें अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं है। हिंदू हैं तो उन्हें अपने धर्म का ध्यान बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ गीता के ऊपर वही लोग लड़ते हैं जिन्होंने गीता का आज तक एक भी पेज खोल के नहीं देखा है। उन्हें पता ही नहीं है कि गीता में लिखा क्या है। और मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए भी मेरा यही संदेश है कि वही लोग लड़ते हैं जिन्होंने अपने धर्म को समझा नहीं है, जाना नहीं है। और संत रामपाल जी सारे धर्मों को मिलाकर एक साथ जोड़ हैं और सभी से ज्ञान देते हैं। जब वो अपना प्रवचन, या कह सकते हैं जब वो अपना बैठते हैं, अपना प्रवचन देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक टीचर की तरह होते हैं। जो सारी बुक्स उनके दोनों तरफ इतनी बुक्स का ढेर होता है, उसमें हर धर्म की, दुनिया के हर कोने की, जितने भी धर्म एग्जिस्ट करते हैं या जो भी है, संत हैं, जो भी मत हैं, उन सब की बुक्स वो लेकर बैठते हैं और सब ही बुक्स प्रोजेक्टर पर खोल कर दिखाते हैं, ताकि किसी को कोई डाउट ही ना रह जाए कि हम सही, ये संत सही बोल रहे हैं कि नहीं। वो विद प्रूफ दिखाते हैं हर चीज़ को कि मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा मत नहीं है, और ये सब ऑलरेडी पहले लोग लिख चुके हैं, बस आपको दिखाना है। आपको सिर्फ प्रूफ के लिए दिखाना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी साइड से नहीं है, ये ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो परमात्मा है सतगुरु जी, वो बिल्कुल शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, और ये तो गीता में भी वर्णन है। पढ़ा लिखा समाज है, आप उनके मतलब ज्ञान गंगा पुस्तक है परमात्मा के द्वारा लिखी हुई, उसको उठाएं और उसको गीता से मिलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कैसे सिद्ध करोगे आप हिंदू विरोधी नहीं हो? सिद्ध करेंगे शास्त्रों के आधार पर ही सिद्ध होगा। हिंदू विरोधी नहीं है, परमात्मा मतलब पूजा बताते हैं, देवताओं की भी साधना बताते हैं, विष्णु। हिंदू धर्म में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान की, गणेश की पूजा की जाती है, और संत रामपाल जी उनकी पूजा बंद करवाते हैं, ऐसा लोगों को कहना है। तो आप कैसे कहोगे कि हम हिंदू विरोधी नहीं है? नहीं, इनकी पूजा मतलब इनकी साधना कराते हैं परमात्मा। इनके जो मूल मंत्र होते हैं परमात्मा में, सबसे पहले विष्णु ब्रह्मा में श्री गणेश जी के ही मूल मंत्र देते हैं, और ये बिल्कुल गलत धारणा लोगों में कि इनका विरोध करते हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि भाई विष्णु ब्रह्मा महेश कंप्लीट परमात्मा नहीं है, कंप्लीट परमात्मा कबीर देव है, उसको परमात्मा सिद्ध भी करते हैं हमारे शास्त्रों में, और विष्णु ब्रह्मा महेश ही हमारे मृत्यु लोक के भगवान हैं, इनका भी साधना बताते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना करनी होती है इनकी भी, इनका भी विरोध नहीं करते। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे गुरु जी ने तो चारों, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों धर्मों से यहाँ पर भगत आते हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं जो कहते हैं ना, ये अपने तरफ से बोलते हैं ये जी। तो आप हिंदू धर्म के बारे में बोलते हो, मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते हो, जो अभी जैसा कि बकरीद आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बकरीद में जो लोग बकरी को हलाल करते हैं ये भी गलत है। ये मुसलमान जो है ना, ये एक अपनी तरफ से ही करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और जो नबी मोहम्मद साहब थे वो भी ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। वो बकरे को, जो कुरान शरीफ में भी कहीं नहीं लिखा है कि बलि देना, ये इस तरीके के करना, ये कुछ भी ऐसा नहीं है, उस पर भी कुरान शरीफ में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। नहीं, ये गलत लोगों की धारणा है। हिंदू धर्म का प्राकट्य आदरणीय श्री शंकराचार्य जी से हुआ था जी। उससे पहले कोई भी हिंदू धर्म नहीं था, वैदिक धर्म था जी। आदरणीय श्री शंकराचार्य जी ने जो मर्यादाएं स्थापित की, उनके अनुसार हिंदू, यदि जो लोग अपने को हिंदू मान रहे हैं वो इस प्रकार का हम पर आक्षेप लगा रहे हैं कि हिंदू धर्म के ये विरोधी हैं, फिलहाल वजह तो ये है कि हिंदू धर्म के वो स्वयं विरोधी हैं, क्योंकि संत रामपाल आदरणीय श्री शंकराचार्य जी ने कभी भी हिंदू धर्म में ये नहीं कहा कि किसी मांस खाओ या मदिरा पियो या किसी के ऊपर अत्याचार करो, इस प्रकार का कोई मर्यादा उन्होंने स्थापित नहीं की। जो लोग इस प्रकार की मर्यादाएं का उल्लंघन करते हैं, वास्तविक रूप से वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। आप कैसे कहोगे कि आप हिंदू विरोधी नहीं हो? हिंदू के जो देवी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान, इनकी संत रामपाल जी तो पूजा बंद करवाते हैं ना, ये गलत है। जैसे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं,
उनके अनुसार संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं जी। और जो भी सदग्रंथों में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी ने जो बोल रखा है वो आप पढ़िए। हिंदू धर्म के जो भी मानने वाले हैं, हम भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आप उन सदग्रंथों को पढ़कर देखिए कि वास्तविक रूप में उसमें लिखा क्या है। जैसे हम किसी फैक्ट्री मालिक के पास काम करते हैं, ठीक है, हम काम करते हैं तभी हमें वो मेहनत या मजदूरी तनख्वाह देते हैं, उससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसी प्रकार हम संत श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, महेश जी की जो भी साधना हमारे गुरुदेव बताते हैं, उनका एक एक मंत्र देते हैं और उस साधना के अनुसार हम उनकी मजदूरी करते हैं, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाला लाभ है वो हमें मिलता रहता है जी। संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं, हिंदू हितैषी है। कैसे? ऐसे कि जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो लोग खाली इधर उधर से सुनी सुनाई बात करते हैं। संत रामपाल जी महाराज सियार वेद, श्रीमद् भगवद गीता, उसके अनुसार भक्ति बताते हैं, उनमें लिखी हुई सभी बातें बताते हैं। आज दिन तक जितने भी हिंदू श्रद्धालु हैं उनको धर्म गुरुओं ने खाली मौखिक बताया गया है। सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि हिंदू के कितने संत हैं और हिंदू के जो संत बताते हैं, भागवत कथा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, वो संत रामपाल जी नहीं करवाते हैं, तो इसका मतलब तो संत रामपाल जी हिंदू विरोधी हुए ना? संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी ऐसे नहीं हुए हैं कि ये जो हिंदू धर्म का प्रसार करने वाले धर्मगुरु हैं वो बहुत ज़्यादा है और वो इतना बढ़ चुके हैं। उसका कारण ये रहा है कि वो लोग अपना बिजनेस समझ लिया, इनको क्यों समझ लिया कि लोग आते हैं, पैर पकड़ते हैं, पैर दबाते हैं और भेंट पूजा चढ़ाते हैं, तो संत बनना तो बहुत आसान हो गया आज के समय में। लेकिन वो ये चीज़ भूल गए हैं कि वेदों में लिखा क्या है, पुराणों में लिखा क्या है, गीता में लिखा क्या है, उनको कोई नहीं पढ़ते ये लोग। ये लोग बस अपना एक धंधा। मुझे एक चीज़ बताइए, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ही विद्वान है, उनने गीता पढ़ी है, गीता को 5,000 साल हो गए हैं, हिंदू धर्म मानता है उसको, विदेशों तक लोग मानने लगे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये हिंदू धर्म है, ये गीता को नहीं मानते हैं? ये तो गलत हुआ ना। संत रामपाल जी महाराज आज जितने भी विश्व के धर्मगुरु हैं उनको ये उन्होंने आमंत्रित किया और उनको कहा और समझाया, भाई मैं बता रहा हूँ और आप बता रहे हो, सदग्रंथ तो गीता एक है, अब आप बता रहे हो क्या बता रहे हो और मैं बता रहा हूँ वो क्या बता रहा हूँ, इसका मतलब सदग्रंथ तो झूठे हैं नहीं। झूठे तो वो लोग हैं जो इसको समझ नहीं पाए। जो धर्मगुरु जितना भी प्रसार करें हिंदू धर्म का, वो हिंदू धर्म का प्रसार सुनी सुनाई बातों के अनुसार कर रहे हैं, गीता के अनुसार नहीं कर रहे हैं। आप सर मुझे इसके लिए मीडिया से प्रार्थना मेरी कि आप कोई भी विश्व के जितने भी धर्मगुरु हैं उनके साथ संत रामपाल जी महाराज की सरसा क्यों नहीं करवाते हो? सरसा करवा के देखो आप, फिर आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है। आप लोग खाली एक तरफा बात सुनते हो, मीडिया वाले जितने हैं सारी एक तरफा बात करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बाकी के पूरे विश्व के जितने भी हिंदू धर्म है वो अलग एक बात बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज अलग क्यों बता रहे हैं? तो आपसे प्रार्थना है मीडिया से कि आप संत रामपाल जी महाराज की हुई ज्ञान सरसा मीडिया के माध्यम से सलाओ, ताकि जनता अपने आप फैसला कर ले कि सच्चाई क्या है। सर मुझे एक लाइन में आप सीधा सा जवाब दो कि आप मुझे एक चीज़ बताइए कि संत रामपाल जी की भक्ति विधि और अन्य हिंदू धर्म के संतों की विधि में क्या अंतर है, और आप फिर कैसे हिंदू हितैषी हो? हम ऐसे हिंदू हैं, हितैषी हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के ओरिजिनल देवता कौन से हैं, वो ओरिजिनल देवता भी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। बाकी धर्मगुरुओं को पता ही नहीं है कि ओरिजिनल देवी देवता है कौन से। ये तो माई मसाणी, ये जो आज कल जो मर गया उसका भी मंदिर बना के मड्डी बना के पूजने लग जाते हैं। ओरिजिनल जो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, इन ओरिजिनल भक्ति संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश शिव और शक्ति ये 500 देव दिल में बसे, प्रथम इनकी साधना फिर सुन सदगुरु उपदेश, आगे की भक्ति साधना भी संत रामपाल जी महाराज सही बताते हैं। इससे हर मानव प्राणी सुखी हो रहा है, हर मानव प्राणी को आध्यात्मिक शारीरिक भौतिक और मानसिक लाभ मिलते हैं। फिर ये धारणा क्यों फैलाई गई भाई संत रामपाल जी हिंदू विरोधी हैं, क्या कारण है इसका? क्या कारण ये रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो तो बता रहे हैं शास्त्रों के अनुकूल, और बाकी जितने भी हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो शास्त्रों के विरुद्ध बता रहे हैं, सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। जब वो सुनी सुनाई बात बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताएंगे तो उनका तो सारा ही शास्त्रों के विरुद्ध है, तो वो उनको नाराजगी होगी ना कि भाई ये तो सारा ही हमारा तो विपरीत काम हो रहा है, इसलिए ये नाराजगी है। उनको भी सही है कि इस चीज़ को समझें
और संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुने, सत्संग और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में तो एक नहीं बोलता है, सिर्फ इतना ही बोलते हैं हिंदू विरोधी। क्यों हिंदू विरोधी कहते हैं? इसलिए कहते हैं उनको शास्त्रों ने उन्होंने पढ़ा नहीं, इसलिए कहते हैं। मेरा ये कहना है कि ये सब अफवाह है जी, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी एक ग्रंथ को पढ़ के सुनाते हैं, एक एक वर्ड बताते हैं कि देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और मैं तो खुद इस संस्था से जुड़ा हूँ जी, ठीक है जी, और मैंने तो पहले इन्हीं देवी देवताओं को मानता था, देवी को, शिव जी जी को जी, ठीक है जी, और पितर पूजा, गीता जी में, ये सभी के सभी कार्य मैं करता था, पर लेकिन उसमें कोई मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है जी। और उसी के मुताबिक ही ये भक्ति है, ये हमें पता नहीं था, हम तो अपने सिर्फ मनमाना आचरण कर रहे थे। और जब संत रामपाल जी की पुस्तक पढ़ी, हमने देखा कि ये सब कुछ तो ज्ञान हमारी ग्रंथों से है, फिर हमने उसी के मुताबिक ही भक्ति से करना शुरू किया और सभी के सभी लाभ हमें मिले। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हिंदू धर्म के लोग अगर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों को सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो गीता से और वेदों से और सभी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, वेद पुराण शास्त्र हैं, उनसे ज्ञान निकाल के दिखा रहे हैं। लेकिन अन्य जो गुरु थे अब तक के, जो मतलब हमारे धार्मिक गुरु थे, उन्होंने आज तक हमें कभी ग्रंथ नहीं दिखाया, कभी कोई वेद शास्त्र पुराण नहीं दिखाए। तो संत रामपाल जी महाराज यथार्थ जो वेदों का जो सार है वो निकाल के सत्संग के माध्यम से प्रोजेक्ट पे दिखा रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप कह रहे हो भाई संत रामपाल जी ने वेदों गीता को दिखाया, तो आज के 5000 साल पहले गीता है और हजारों वर्ष पुराने वेद हैं, तो आज तक किसी को समझ में नहीं आया, संत रामपाल जी को समझ में आया क्या? नहीं, अभी तक किसी भी गुरु ने ये दिखाया ही नहीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यथार्थ अनुवाद करके दिखाया है। कई शब्दों के इन्होंने अर्थ भी गलत लगाए हुए हैं, जैसे कई जगह पे व्रज शब्द है, उनका इन्होंने आना अर्थ किया हुआ है, जबकि उसका वास्तविक अर्थ जाना होता है। कई जगह अनुत्तम का अर्थ इन्होंने श्रेष्ठ बताया है, लेकिन जबकि अनुत्तम का अर्थ अति घटिया और अश्रेष्ठ होता है। ऐसे इन्होंने गूढ़ रहस्य को अपने डिक्शनरी के हिसाब से या जो आज का पढ़ा लिखा समाज है उसके सामने प्रमाणित करके दिखाया है कि वास्तविक ज्ञान ये है। फिर आप कैसे बताओ कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी नहीं है? क्योंकि हिंदू में जो पूजा है, मंदिरों में जाना है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना है और कांवड़ लाना है ना, और ये सारी जगह जो तीर्थ स्थल है वहाँ जाना है, इन सब के लिए संत रामपाल जी मना करते हैं। और एक तरह आप कहते हो कि भाई संत रामपाल हिंदू विरोधी नहीं है, जब हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी, तीर्थ स्थान बंद करवा दिए, फिर हिंदू विरोधी हुए ना? नहीं, देखिए हिंदू विरोधी तब होते ना जब ये अपने हिंदुओं के ग्रंथ जैसे वेद, गीता, पुराण, इनमें से अपना ज्ञान नहीं बताते, तब तो ये हिंदू विरोधी थे। लेकिन इन्होंने गीता से और वेदों से जो ज्ञान निकाल के दिया है उसमें कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि आप कांवड़ लेके जाइए या अन्य धार्मिक स्थलों पे जाइए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, जबकि उसमें यथार्थ विधि लिखी हुई है वेद और गीता में कि भक्ति विधि ये है, वो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। लोग इसको हिंदू विरोधी मान रहे हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान के हिसाब से वो हिंदुओं के हिसाब से ही भक्ति बता रहे हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि सर अभी तक ये लोग जो समझ नहीं पाए वेद और गीता को? वो उसका कारण ये है कि अभी तक इन्हों को वेद शास्त्रों को खोल दिखाया नहीं किसी ने। अब संत रामपाल जी महाराज है वो यथार्थ ज्ञान खोल के दिखा रहे हैं, वेदों से पढ़े लिखे समाज आज मिला सकता है, उसको यथार्थ दिखा रहे हैं, तो अब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज बल्कि एक ऐसे पहले धर्म गुरु हैं जो कि सभी जाति धर्मों को एक कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, तो हमारा जो धर्म है वो मानव ही है। इसमें हम अलग अलग जातियों में जब हम डिवाइड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की जो इंसानियत है, मानवता है, वो ख़त्म होती जा रही है, जो कि संत रामपाल जी महाराज सभी को एक ही धर्म में जोड़कर एकता का मतलब वो कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं।